वहीं लखीमपुर खीरी के मितौली में उस वक्त सनसनी फैल गई जब 9 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला सामने आया। उधर परिजनों का कहना है कि बुधवार की शाम अन्य बच्चों के साथ उनकी बच्ची भी खेतों की तरफ बथुए का साग लेने गई थी, लेकिन देर शाम तक घर वापस नहीं आई, जिसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। वहीं सुबह बच्ची का अर्धनग्न शव एक गन्ने के खेत में मिला। बालिका का शव मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। उधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के साथ दुष्कर्म और गला दबाकर हत्या की बात सामने आई है। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने परिजनों को उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। ढूंढा ढूंढा पूरी रात हम ढूंढे हैं, काफी आदमी ढूंढ रहे हैं, और जब नहीं मिले सुन लो तो समझो सुबह घर आ रहे, सुन लो आराम करें, आराम करके फिर ढूंढप चालू करें, आराम आराम नहीं करें। अब ढूंढप ढूंढप सुन लो लगभग लगभग बजा होते सुन लो 11:30 ऐसे टाइम, तब सुन लो गन्ने में बांधी हुई लड़की बलात्कार हुआ, बेइज्जती की, तब सुन लो बंधी भाई लड़की कपड़ा अंदर मुहिमा दबावा, फांसी लगाई सुन लेते अभी, तब हम लोग कपड़ा दबा गंजा नट्टी चार जगह से बंदी। ये मितौली थाना क्षेत्र में 9 साल की बच्ची का शव मिला है और परिवार एक शराबी जो है व्यक्ति उस पर शक जता रहे, जो प्रथम दृष्टया शक जताया है। अभी पोस्टमार्टम के लिए शव भिजवाया गया है, पैनल से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद ही चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी कि क्या घटना हुई है, किस प्रकार हुई है। बाकी जो परिवार से बातचीत की जा रही है और सभी तथ्य जुटाए जा रहे हैं, उस आधार पर कार्रवाई कराई जा रही है। क्या अभी कोई हिरासत में अभी तक? अभी परिवार भी सिर्फ अंदाजा लगाकर ही चीज़ें बता रहे हैं, स्पष्ट जब बताएंगे उसी के आधार पर।